हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं, जानते हैं आप सभी बच्चे के सीयूटी इंग्लिश का पेपर। जी हाँ, सीयूटी 2024 इंग्लिश का पेपर फाइनली माय डियर फ्रेंड्स ओवर हो चुका है। जी हाँ, 15 मई का दिन आप सभी के लिए और इंग्लिश का पेपर हो चुका है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी, क्योंकि सीयूटी के सारी अपडेट्स जैसे आपको दी जाती थी आपके चैनल अभी अपडेट पे पिछले कई वर्षों से दी जा रही हो, ये फिर से आपका चैनल यहाँ पे आया हुआ है। सभी अपडेट्स दिया जाएगा सीयूटी की, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी, उनके सभी आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। और सीयूटी की अपडेट तो हम आपको कई दिनों से दे ही रहे हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं दिया था चैनल को सब्सक्राइब, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो आप सभी, क्योंकि यहीं से आपको सक्सेस का स्टार्टिंग होती है। अब आइएगा, बात कर लेते हैं आपसे आपका पेपर, आपका इंग्लिश का जो ओवर हो चुका है। देखिए बच्चे, हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, जो आपने पेपर अभी थोड़ी देर पहले जो आप पेपर दे क्या इंग्लिश का, हम इंग्लिश के पूरे पेपर की पहले बात बच्चे सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद आने के हम पूरे पेपर को एनालाइज भी करने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या मानना है पूरे पेपर को देख, यानी उनके पूरे रिएक्शन को देखने वाले हैं। साथ साथ जिन बच्चों का पेपर आने वाले समय में होने वाला है या फिर आप आज ही थोड़ी देर बाद होने वाला है जनरल टेस्ट का, उनके लिए कुछ एडवाइस देने वाले हैं, या फिर जिन बच्चों का पेपर कल 16 तारीख को, 17 तारीख को या एंड सो ऑन होने वाला, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स और बहुत बड़ी बड़ी सजेशंस देने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दो यार, बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर दो, तुरंत का तुरंत बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सभी अपडेट्स यहीं पर मिलने वाली हैं आप सभी को, आपके पेपर के लिए भी और आपके तैयारी के लिए भी। अब आइए बात कर लें आपसे क्या यहाँ पे, जी हाँ से बात कर लीजिए इंग्लिश के। पहले हम बात कर लें आप सभी से, आप जानते हो बच्चे कि थोड़ी देर पहले आप सभी का इंग्लिश का पेपर ओवर हुआ है। जी हाँ से 45 मिनट के पेपर, जिसमें थे 50 क्वेश्चंस और आपको करने थे 40 क्वेश्चंस, और आपने कर लिए होंगे 40 क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि पूरे पेपर ऑल 50 क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आने वाले हैं। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो जो हम अपलोड करेंगे लाइव आएंगे या सॉल्यूशन के माध्यम से हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी, वो आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए जिन बदान के बाद बहुत ही खास बात, जो वीडियो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इस वीडियो को बहुत देर में देख रहे हो, आप बाद में देख रहे हो, तो बच्चे आप सभी को बता दें कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन तब तक आ चुका होगा। जी हाँ सर, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा बच्चे, या तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो, चेकआउट कीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तब तक सॉल्यूशन आ चुका होगा, प्लीज़ आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों का पेपर आज केमिस्ट्री का हो चुका है, बायोलॉजी का हो चुका है, उसका भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आ चुका है, आप उसे जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब आइए हम पहले बात करते हैं पेपर आपका था कैसा। इंग्लिश की बात करें बच्चे, बता दें आप सभी को बच्चे बहुत डर रहे थे इंग्लिश के लिए, लेकिन हमने आपको तैयारी करवाया था, बताया था कि क्या करना है कैसे करना है, और यकीन मानिए जिन्होंने इसको फॉलो किया उनका बेहतरीन गया पेपर आज का। मैं पेपर ओवरऑल मैं पेपर को एनालाइज कर दूँ, कैटेगराइज कर दूँ आपका पेपर था कैसा इंग्लिश का, तो बच्चे यकीन मानो आपका इंग्लिश का पेपर आपका लगभग लगभग भैया आप पेपर को ईजी टू मॉडरेट में रखो, मॉडरेट में रखो, ईजी टू मॉडरेट में, मॉडरेट इस वजह से हम रख सकते हैं क्या, क्योंकि पेपर में आपको 45 मिनट्स मात्र थे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन थे करने 40 थे, केवल इस बेसिस पे पेपर मॉडरेट है आपका, अदरवाइज क्वेश्चन लगभग लगभग ठीक थे। बट एक बार देखिए, क्योंकि देखिए सभी का बिहाफ अलग अलग होता है, सभी का सब्जेक्ट, सभी का इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा आप सबका अलग अलग होता है, कुछ कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है तो उन्होंने पेपर को आसान कर दिया, जिन बच्चों से बात किया जिनको थोड़ा सा टफ लगा उन्होंने हार्ड पेपर कर दिया। तो एक बार आप तो बताएंगे ना, एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पेपर कैसा गया, आप कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर था कैसा, आपको पेपर ईजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा, पेपर आपको लगा कैसा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स कर देंगे, बेल आइकन को आप सभी प्रेस कर दीजिएगा। अब आइए हम आप जल्दी से आगे से बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पेपर को लेके यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि ये पेपर पहले आपका ऑफलाइन मोड में हुआ करता, ऑनलाइन मोड में हुआ करता था बच्चों, और ये पेपर पहली बार जाके आपका सीयूटी का आज हो रहा है ऑफलाइन मोड में। तो एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपको किस
किस में फैसिलिटीज़ लगा ज़्यादा? तो उन्होंने कहा सर ऑब्वियस है ऑफलाइन मोड में, बिल्कुल सही बात है बच्चे, आपने आज तक कभी भी पेपर ऑनलाइन मोड में नहीं दिया था, तो और ये क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता था एंट्रेंस का, तो ये पेपर आज आप लोग ऑफलाइन मोड में, ये बहुत अच्छा पेपर हुआ आप लोग के लिए और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। बाकी एक बार आप बताइए कि आप क्या, आपको क्या लगता है कि पेपर किस में फ़ायदा, किस में आपको नुकसान, किस में आपको फ़ायदा लग रहा था ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में? क्योंकि आप पेपर आज देखिए ऑफलाइन मोड में तो ऑब्वियस है कि आपको पेपर ऑफलाइन मोड वाला ज़्यादा बेटर लगा होगा, लेकिन बता दें आप सभी को कि ऑफलाइन मोड में थोड़ा सा एक आपका समय ज़्यादा लग जाता है किस में, ओएमआर सीट को भरने में। जी हाँ, तो कुछ बच्चों से जब बातें क्या कहा पूछा गया कि क्या आपको ओएमआर सीट को फिल करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्या, तो जिन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने, जी हाँ लगभग सभी ने, 10 में से एक दो बच्चे ने कहा कि हाँ सर थोड़ा सा ओएमआर को भरने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट प्रॉब्लम की बातें नहीं, आप तो उसे भरते ही हो आप हमेशा, ठीक है, तो भरने में आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी बट बाकी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया है और बच्चों, बट आपको क्या प्रॉब्लम आया क्या जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा बता दें आप सभी को कि मैं पेपर में पूछा गया कि जो आरसी जो पूछा गया था, यानी कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर में पूछा गया था, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर के अंदर में डिफिकल्ट था क्या, आसान था क्या? तो ओवरऑल बता दें आप सभी को कि बच्चों का ये कहना था कि जो आरसी था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पेपर में आज के पेपर में पूछा गया था, वो आपका वो ठीक ठाक था, उतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब ऑन एवरेज बात करें तो मतलब ऑन एवरेज बराबर था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज के पेपर में ठीक ठाक था, बराबर था, उतना भी इसमें डिफिकल्टी इसमें आरसी के अंदर में नहीं था, अगर मैं आपसे बात करूँ आज के पेपर को लेके। तो एक बार आप बताइएगा कि आपका आपको कैसा लगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या आपको आसान लगा, मॉडरेट लगा, टफ लगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा लगा है? और मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चे कि पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं पाने वाला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात क्या, इंपॉर्टेंट बात क्या आप लोग के लिए कि जिन बच्चों का पेपर पहले, जो बच्चे पेपर दे के पहले आ चुके हैं केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, उनको सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा, पूरा मिल चुका है, वीडियोस आ चुके हैं, जाकर आप सो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा, अब आइए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, आगे बात कर लेते हैं आपसे यहाँ पे आरसी के अंदर में, ये इंग्लिश के अंदर में, कि क्या जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था, क्या प्रीवियस ईयर पेपर को जिन बच्चों ने किया क्या उनको फ़ायदा मिला क्या? बिल्कुल सही बात है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ सर प्रीवियस ईयर पेपर करके हम आए थे और उनको यकीनन इसका बहुत फ़ायदा मिला है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे कि जिन बच्चों का पेपर आज होने वाला है जनरल टेस्ट का, या जिन बच्चों का पेपर कल 16, 17, 18 तारीख होने वाला है, उनके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं सभी को कि आपको अपनी क्लास 12th की मेन बुक उसको अच्छे से पढ़नी है, स्टडी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है आपको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यहीं पे आने वाली है। तो सब्सक्राइब करना है, 12th क्लास की बुक को अच्छे से रीड करना है, प्रैक्टिस बनाना है जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ने का, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है आपको क्वेश्चंस को रीड करने का, तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करने का अपने स्किल्स को बढ़ाना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, जैसे आपके दोस्त भी समझ पाएँ, जान पाएँ, देख पाएँ कि उनको उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं आपसे जस्ट हम इसके बाद वीडियो में, जहाँ पे हम पूरे पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे वीडियो को बाद में देख रहे हैं उन्हें बता दें कि तब तक सॉल्यूशन आ भी चुका होगा, तो क्या करना है आपको कुछ और नहीं करना है, केवल और केवल आपको जाके चैनल को अंदर जाके विजिट करना है वीडियो सेक्शन के अंदर में, या तो आपको क्या करना है नीचे कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट रीड कर लेना, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर टेस्ट करते ही आप सॉल्यूशंस को मैच कर पाएंगे। मिलते हैं जस्ट इसके बाद वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।